दोस्तों अभी एक व्हाट्सएप जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, कंप्लीट वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप के। इस वीडियो के अंदर मैं एक नहीं दो नहीं बल्कि यहाँ पे टॉप 10 खुफिया टिप्स एंड ट्रिक्स आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। अभी इसी वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आगे आप वीडियो में इतना ज़्यादा खो जाओगे कि फिर आप लाइक करना भूल जाओगे। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, जान लेते हैं आज के टॉप 10 कमाल के फीचर्स क्या होने वाले हैं व्हाट्सएप। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होगा डेली टू डेली एक ना एक फ़ोन रिलीज होता है या लॉन्च होता है और बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि हमेशा नए नए फ़ोन को चेंज करते हैं। अगर उनमें से आप भी एक हो तो आपके लिए ट्रिक बहुत ही काम आएगा। जैसे कि आप ओल्ड फ़ोन से न्यू फ़ोन में अपने व्हाट्सअप का पूरा चैट इजीली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बस एक क्लिक के अंदर ही सारा कुछ कर पाओगे। पहले क्या था, हम चैट का बैकअप लेते थे, उस बैकअप को उस डिवाइस के अंदर ट्रांसफ़र करते थे तभी हम ये चीज़ कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली वन क्लिक के अंदर अपने इस फ़ोन से यानी पुराने फ़ोन से न्यू फ़ोन के अंदर सेव कर पाओगे अपने पूरे चैट के साथ भी। इसलिए सिंपल सा है, बस अपने व्हाट्सअप ओपन कीजिए और अपने जाइए चैट ट्रांसफ़र के सेक्शन में, वहाँ पर टैप करके अपने पुराने नए वाले फ़ोन से उसको स्कैन कीजिए, सारा आपका ओल्ड चैट आपके न्यू फोन में इजीली सेव हो जाएगा। तो ये अपडेट बहुत ही कमाल का है। सेकंड जो ट्रिक्स है ये है, आप जिसी व्हाट्सएप पर लॉन्ग टाइम से किसी से चैट करते हो या दिन में हमेशा उसी के साथ चैटिंग करते रहते हो, वीडियो कॉल बातें करते हो, ऑडियो कॉल बातें करते हो, तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि और भी जितने मैसेज आते हैं तो उस मैसेज को रीड करते करते आपका जो वो चैट है, जो पर्सनल चैट है जिस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो बहुत ही नीचे चल जाता है। तो आप उस चैट को अपने फेवरेट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। उसमें यह फायदा होगा कि अब जब भी आपको उस चैट से यानी वो आपके मोना सोना चैटिंग करनी हो तो आप इसलिए उस फेवरेट पर टैप करो और वहाँ पे वो चैट आपका शो हो जाएगा, जिससे आप बातें करते हो 24 आवर्स के अंदर, कम से कम 12 घंटे उसी से बातें करते हो, तो आपके लिए वो ट्रिक बहुत ही काम आएगा। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो फ्रेंड्स अभी तक हम सिर्फ चैट के अंदर मतलब अपने व्हाट्सएप के अंदर जितने भी चैट थे उस चैट से हम बातें कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ आपने कभी नोटिस किया हो कि ऐसी कोई चैट जो कि आपको सबसे ऊपर में हाईलाइट जो हो तो आप उस चैट को पर्टिकुलर पिन कर सकते हो। ये पिन का फीचर्स टेलीग्राम के अंदर था, मैसेंजर के अंदर भी था, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर नहीं था। लेकिन व्हाट्सएप ने बहुत दिन पहले ही इसको अपडेट किया है, लेकिन अभी भी आप उस अपडेट से अनजान हो। जाके चेकआउट करो आपके व्हाट्सएप के चैट के ऊपर पिन का ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। वहाँ पे एक चीज़ मुझे और अच्छा लगा कि बल्कि एक नहीं आप मल्टीपल चैट को पिन कर सकते हो। उस पिन किए चैट को देखना बहुत ही सिंपल है, बस आपको वन टैप करना है, सारे पी जो वहाँ पे चैट है ना ऑटोमेटिक वहाँ पे रिलोड होते चले जाएंगे। तो ये कमाल का फीचर्स है और आपको यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा कभी ना कभी आपने इसी प्रॉब्लम को फेस किए होंगे, हमारा व्हाट्सएप चलाते चलाते अचानक लैग होने लगता है, उसमें थोड़ी सी स्लो काम करने लगती है, फंस जाता है। ये क्यों होता है मालूम, आप व्हाट्सएप पर अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ बहुत ज़्यादा मीडिया फाइल शेयर की हो और इससे क्या होता है जो व्हाट्सएप का जो कैपेसिटी है ना स्टोरेज का वो आपने फुल कर दिया है, तो आप उसको अपने चैट फिल्टर के सेक्शन में जाके आप उसको मतलब अपने अकॉर्डिंग क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ कौन सा चैट का मुझे क्लियर करना है, किस चैट को क्लियर नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सिंपल वे के साथ आप ये चीज़ कर पाओगे। उसके बाद आपका जो व्हाट्सअप का जो चलाने का जो एक्सपीरियंस है ना वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो ये चीज़ अगर आप ही चेकआउट करो, आपका व्हाट्सअप का जो स्टोरेज है वो फुल तो नहीं हो गया है, नहीं तो फिर आपका भी व्हाट्सअप लाइव होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप पर अभी कुछ दिन पहले एक ऑफ मतलब न्यू फीचर्स आया था जो कि AI से रिलेटेड है। आखिर इसको कैसे यूज करना है, आप मान चलो हमसे आप चैटिंग कर रहे हो और जैसे ही हमारे चैट पे अटैच फाइल पे टैप करोगे तो आपको नीचे यहाँ मिलेगा इमेजिन का ऑप्शन। आखिर इमेजिन क्या है, देखिए आपको पता होगा इमेजिन का मतलब ही होता है कि आप बहुत आप फिल्म में भी ऐसे सुने होंगे इमेजिन करो, इमेजिन मतलब आप जैसा आप मन में जो भी जिसके बारे में आप सोच रहे हो आप उस तरीके से उस टूल्स को यूज़ करके आप इमेज क्रिएट करवा सकते हो बिल्कुल सिंपल वे के साथ। ये जो है ना फीचर्स वो AI का कमाल है। सिंपल आपको वहाँ पर टेस्ट देना है, जो भी आपको इमेजन चाहिए उस तरीके का टेस्ट आप करो, उस तरीके से इमेज प्रोवाइड कर देगा, उस इमेज में आप एनिमेटेड भी करवा सकते हो, यानी वो इमेज तो ऐसा आ जाएगा सिंपल, लेकिन ये इमेज हिलेगा नहीं। जब आप एनिमेटेड का ऑप्शन क्लिक करोगे तो इमेज आपको चलता हुआ हिलता हुआ इस तरीके से दिखेगा। ये भी फीचर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हो। और जब अगला बोलेगा कि आपने इस सब कैसे सीखा तो फिर इस चैनल का उसका लिंक सेंड कर देना, ये भी सीख जाएगा। आपने पहले देखा होगा जब भी व्हाट्सएप पर किसी के पास मैसेज सेंड करते हैं, जैसे मान चलो मैसेज आप सेंड करो हेलो, हेलो को जगह आपने सेंड कर दिया कुछ और यानी मिसिंग हो गया वहाँ पे स्पेलिंग, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम उसको डिलीट फॉर एवरीवन करते थे, राइट, ये चीज़ तो आपको पता होगा अच्छे से। लेकिन अब आपने उस मैसेज में कोई ऐसी रॉन्ग स्पेलिंग टाइप कर दिया है बाई मिस्टेक, आप उसको विदिन 15 मिनट के अंदर आप उसको एडिट कर सकते हो। सिंपल उस पर प्रेस एंड होल्ड करो, ऊपर एडिट के ऑप्शन पर टैप करो एंड वहाँ आप उस मैसेज को एडिट करके सेंड कर पाओगे। इसका डिसएडवांटेज ये लगा कि उसको पता चल जाएगा कि आपने इस मैसेज में एडिट किया होगा, क्योंकि वहाँ पे एडिट का एक लोगो देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा है लेकिन बट अच्छा ही है कि हाँ अपने मैसेज को एडिट कर सकते हो। अगर हम अपने मोबाइल में अपने फ्रेंड का
कैमरे से फोटो क्लिक कर ले तो बोलेगा तुरंत कि आप मुझे इस फोटो को HD मोड के अंदर सेंड करो, यानी फुल HD सेंड करना। तो हम फट से क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट फाइल पे टैप करेंगे, डॉक्यूमेंट के द्वारा हम उस फोटो को सेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो क्वालिटी है बिल्कुल फटेगी नहीं, बिल्कुल जेन्युइन क्वालिटी में जाएगी। बट ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट फुल HD सेलेक्ट कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप के अंदर फीचर्स अवेलेबल है, जाकर तुरंत चेकआउट करो। सिंपल आप वहाँ दो ऑप्शंस मिलेगा, आपको फुल HD पे सेलेक्ट करना है, जितना रेजोल्यूशन में आपके डिवाइस में फोटो क्लिक हुआ है ना, सेम रेजोल्यूशन उस बंदे के पास भी ट्रांसफर हो जाएगा, आपको वहाँ पे बिल्कुल क्वालिटी में कोई भी लूजिंग देखने को नहीं मिलेगी। जाकर चेकआउट करो आपको अपडेट मिला है या नहीं मिला है। अभी तक आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में फोटो वीडियो टेस्ट ही शेयर कर सकते थे, क्या आपको पता है कि आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के सेक्शन में आप वॉयस को, अपना खुद वॉयस का ऑडियो को स्टेटस में लगा सकते हो। जैसे बाकी लोग स्टेटस में वीडियो देखते हैं, फोटो देखते हैं, टेस्ट को रीड करते हैं, उस तरीके से आपके वॉयस को भी सुन सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबल है, आप बस जाकर ट्राई करो। सिंपल कुछ नहीं करना है, स्टेटस के सेक्शन में जाओ, अपने जो आइकन है ना सेंड वाला उस पर थोड़ा सा प्रेस करो, प्रेजेंट होल्ड, वहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड होगा, वहाँ पर आपका स्टेटस में आपका वॉइस लग जाएगा। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो एक टीचर है जो कोचिंग चलाते हैं, या कोई ऑफिस में आप ऑफिस के लीडर हो तो वहाँ पर आपने पूरे जो है ना स्टाफ लोग उनको आप मतलब इस तरीके से छोटा एक न्यूज दे सकते हो उस स्टेटस के द्वारा, आपका सारा रिकॉर्ड वहाँ पर मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा और वो बंदा जो भी सुनना चाह रहा हो सुन लेगा इजीली, आपने क्या बोला है, क्या करना है, कैसे। तो मतलब ये अच्छा अपडेट है उनके लिए जो लोग ग्रुप कम्युनिटी क्रिएट करके यूज कर रहे हैं। अभी तक हम अपने व्हाट्सएप के पर्टिकुलर चैट के ऊपर लॉक तो सेट कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो जो लॉक जो सेट कर रहे हैं ना वो सभी को पता है कि थोड़ा स्वाइप डाउन करके उस लॉक चैट को मेरे लिए रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि स्वाइप डाउन करने के बाद भी वो लॉक चैट का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या बिलीव करोगे, बट करना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो। आपके व्हाट्सएप चैट का जो फीचर्स है ना बहुत ही कमाल का है, आप अपने इस व्हाट्सएप चैट को ना आप हमेशा हमेशा के लिए इसको हाइड कर सकते हो, और इसको देखना भी बिल्कुल सिंपल है। आप जो पासवर्ड वहाँ पर सेट किए हो उस पासवर्ड को फिर से सर्च पे टैप करो, इसलिए आपका वो चैट शो हो जाएगा जो आपने लॉक सेट किया है। तो ये थोड़ा है ना हिडन ट्रिक्स जो कि आपके चैट को कई हद तक सिक्योर कर सकता है। अगर मान के चलो आप और आपके सिस्टर या ब्रदर या कोई मदर फादर जो भी है जो आपसे दूर है और उनके डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे? आप फ़ोन से बोलोगे तो उनको समझ में थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप, मैं ऐसा बोलूँ कि उनका स्क्रीन को अपने डिवाइस में आप देख पाओगे इजीली तो क्या आपको बिलीव होगा? बट बिलीव करना पड़ेगा। कैसे? आपको सिंपल है, उसके पास वीडियो कॉल करना है जिसको आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और उसके वीडियो कॉल का एक्सेस यानी उसको अपना स्क्रीन को शेयर कर देना है, उसका स्क्रीन का पूरा एक्सेस आपके पास आ जाएगा। बस आप उसको बताते रहिए कहाँ किस ऑप्शन पर क्लिक करना है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो आपके अपने प्रॉब्लम को इजीली आपकी मदद से सॉल्व कर पाएंगे। जो कि मुझे ये जो फीचर्स है ना काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा ये अनसिक्योर है सोच समझ के किसी के पास शेयर करना, अगर कोई हैकर हो स्कैमर हो तो बच जाना, क्योंकि आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है OTP इजीली ले सकते हैं। तो आपको उसी के साथ शेयर करना है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, बिलीव है, आपके रिलेटिव है, तभी शेयर कीजिएगा। ऐसे किसी फालतू के पास शेयर मत कर देना, फिर मेरे कमेंट्स में आप कमेंट करना कि आपके वजह से मैं फंस गया, ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी मेरी नहीं। लास्ट अपडेट की बात करें तो फ्रेंड्स, जैसे आप मांग चलो अपने मोना सोना से बात कर रहे हो तो अभी तक हम सिर्फ इमोजी को सेंड करते थे, इमोजी नॉर्मल इतना छोटा सेंड होता था, लेकिन अब आपका जो इमोजी है ना काफ़ी इतना बड़ा सेंड होगा, एंड यहाँ पे इतना ही बड़ा ही नहीं, इसमें थोड़ा सा एनिमेटेड भी दिखेगा। जैसे और इमोजी आप सेंड करोगे तो ऐसे 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 सब कुछ दिखेगा, उसमें पूरा रिएक्ट करेगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा अपने मोना सोना को इम्प्रेस करने के लिए। और जब उनको समझ में नहीं आपके मोना सोना जब पूछे कि ये कैसे कर रहे हो तो उनको बोलना कि हाँ अकील फॉर यू को जाकर सब्सक्राइब कर ले इस तरीके से इमोजी को देखने के लिए, राइट। तो वीडियो को सीखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।